बेटा अरे अम्मी जान आज तुम्हारी नजर उतारती हूँ। जी चाचू को किसकी नजर लगी? जो दादी अम्माओं की तरह बोलती रहती है। शबीर बेटा सफर से आया है, थक गया होगा, जाके नहा ले बेटा। ठीक है अम्मी जान, चलो आदे। चलिए बाहर चलकर मैं आपको उम्दा शेर सुनाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जान। क्यों बेटा, बगैर बताए वक्त से पहले ही आ गए? अरे मैंने फोन किया था ना, तुम्हारे घर में किसी ने उठाया ना दफ्तर में, मैंने सोचा वो मंगनी की तारीख बता दी। खैर अब तुम खुद ही चले आए हो, अच्छा किया। 11 तारीख की मंगनी तय हुई है। अरे बाकी बातें बाद में कर लेंगे, पहले नहा के तो आ। दादू हा? आपको पता है चाचू क्यों खुश है? क्यों खुश है? चाचू की शादी होनी है। हेलो जी, कौन बोल रहा है? आपको किससे बात करनी है? जी मुझे हाजी साहब से बात करनी है। जी हम उनकी बेगम बोल रहे हैं, कहिए। भाई ने सुना है कि आप लोग हीरे को पत्थर से फोड़ना चाहते हैं। क्या मतलब? जी बहन आपका बेटा तो हीरा है, हीरा। देखो तुम जो कोई भी हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैं हया को जानती हूँ, वो एक नेक लड़की है। कौन बोल रहा है जरा मैं भी तो देखूं। हेलो, अरे भाई जो कुछ बोलना है खुलकर बोलो। देखे बहन, हया बात बच्चन लड़की है, कई दिनों तक मेरे साथ उसने इश्क का ड्रामा रचाया था, दूसरे लड़के का दामन थाम लिया। हाँ काश बहन बात यहीं पे खत्म होती तो ठीक था, लेकिन अब उसके आशिकों की तो पूरी लिस्ट देखिए। कॉलेज में पुराने स्टूडेंट्स से मालूमात हासिल कर लीजिए। बहन मैं नहीं चाहता कि एक अच्छा खासा लड़का बर्बाद हो जाए। भाई मैंने तो नेकी करनी थी कर ली, बाकी आप खुद समझदार हैं बहन। तने कौन बोल रहा है? जो भी था झूठ कह रहा था। मान लीजिए कि वो झूठ कह रहा था, मगर उसकी बात में अगर 1% भी सच्चाई हुई ना, तो ना हम हंस सकेंगे और ना रो सकेंगे। वैसे भी ये शबीर मियां के लिए लड़कियों की कमी है क्या? फिर भी क्या हमारे पास बहुत वक्त पड़ा है इस बात पे गौर करने के लिए? कौन कम वक्त? हया का आशिक वही कह रहा था कि कॉलेज में उसके आशिकों की इतनी बड़ी लिस्ट है। अब देखो ना, जानबूझ के तो मक्खी निकली नहीं जाती। कहते हैं ना कि शादी तो एक ही बार की जाती है और फिर उसी को निभाना पड़ता है। आप खुद सोच लीजिए, कहते हैं ना नेकी कर और दरिया में डाल। ये क्या कह रही हो तुम? गुस्से से बात बनती नहीं, बिगड़ती है। ठंडे दिमाग से सोचिए, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। इंसान को तैरना ना आए तो पानी में नहीं कूदना चाहिए, और अगर कूद जाए तो तैरने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। फिर चाहे वो बच जाए या डूब जाए, वो उसकी अपनी किस्मत। इस वक्त पछताने से कुछ नहीं होगा।
हेलो। हाँ नाजो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आप खैरियत से घर पहुँच गए? हाँ, लेकिन यहाँ मामला बहुत बिगड़ा हुआ है। गरौल ने तैयारी कर ली है। बात जंगल की आग की तरफ पूरी कश्मीर में फैल चुकी है। एयरपोर्ट से घर पहुँचने तक मुझे कई लोगों ने मुबारकबाद दी है। फिर? मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही है घर वालों को सच्चाई बताने। लेकिन जिस दिन घर वालों को ये पता चलेगा कि मैंने शादी कर ली, तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी और फिर शायद अम्मी जान और अबू जान ये बर्दाश्त भी न कर पाए। क्या बात कर रही हो नाजो? मैं इनकार करूंगा, लेकिन मैंने इसके लिए तरीका सोचा है। बताइए। बस तुम खुद यहाँ चली आओ। मेरे घर वालों को ऐसा लगता है कि हया जैसी अच्छी लड़की कोई है ही नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हें देख के उनकी इस सोच पे पानी फिर जाएगा। क्या आपको यकीन है कि ऐसा ही होगा? हाँ, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अगर ऐसा ना हुआ तो हम समझ लेंगे हमारा इस दुनिया में कोई नहीं। बस तुम फौरन कश्मीर पहुंच जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ना जाने, मुझे डर लगने लगा है। अल्लाह पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। बस तुम चली आओ। खुदा खुदा हाफिज। भाईजान। हुमत, तुम यहां क्या कर रही हो? मेरा मतलब कब से खड़ी हो? भाईजान, ये आपने अच्छा नहीं किया। अच्छा नहीं किया आपने। जब ये सच्चाई सबको पता चलेगी तो घर वालों पर बिजली गिर पड़ेगी। मामू जान का क्या होगा पता नहीं, उनकी इज्जत तो खाक में मिल जाएगी। लेकिन होमा, मैं क्या करूं? मैं भी तो मजबूर हूं। भाईजान, आपने शादी कर ली आपने। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम बाद में तो सबको बता देना चाहिए था। हुमा, इसलिए मैं ईद पे घर आना चाहता था, लेकिन मैं वक्त नहीं निकाल पाया। और मैंने ये सोचा था कि जब घर आ जाऊंगा तो सबको बता दूंगा, और फोन पे तो इतना कुछ बता नहीं सकते थे। अब जब मैं यहाँ पे आ गया तो ये सब कुछ हो चुका। हुमा सुनो, प्लीज ये बात किसी को कहना मत। ठीक है, मैं तो ये बात किसी से नहीं कहूंगी, लेकिन परसों तो सबको पता चल ही जाएगा ना। हेलो, कौन बोल रहे हैं आप? जी, आपका खैर का बोल रहा हूँ। क्या कहना चाहते हैं आप?
जी आप लोग तो बड़ी धूमधाम से मंगनी की तैयारियां कर रहे हैं और वहां हाजी साहब के घर में हैया को लेके हजारों बातें हो रही हैं। हजार बातें? जी हाँ, किसी ने उनके कान भर दिए हैं कि हैया बदचलन लड़की है। खामोश, मेरी बेटी का दामन पाकीज़ा है। देखिए ये मैं भी जानता हूँ जी, अब किसी ने उनके कान भर दिए लेकिन वो लोग तो गलत समझ रहे हैं। देखें, मंगनी तोड़ने का इरादा रखते हैं जी। जी हाँ, अब ये सवाल ही नहीं पैदा होता है। मंगनी की तारीख पक्की हो चुकी है, हर कोई उस दिन के इंतजार में है। अगर अगर मंगनी टूट गई तो मेरी बच्ची की जिंदगी पर दाग लग जाएगा। देखें जी, मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है, इसीलिए हाँ सुनिए मेरी बात, इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि मंगनी के दौरान मेहमानों के बीच कहीं हाजी साहब मंगनी तोड़ न दे। देखिए मैंने कह दिया, चले रखता हूं, खुदा हाफिज। अब मजा आ जाएगा। याल्ला, ये क्या हो रहा है? मुझे फौरन हया के अबू को खबर करनी होगी। हेलो। हाँ नाजो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ शबीर। अच्छा तुम बताओ, तुमने अपने घर वालों से हमारी शादी के बारे में बात की? हाँ, लेकिन यहाँ मामला बहुत बिगड़ा हुआ है, गरौल ने तैयारी कर ली है। शबीर मुझे कुछ नहीं सुनना, खुदा के लिए मुझे साफ साफ बताओ, तुमने अपने घर वालों से बात की? मुझे फिक्र हो रही है, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही है अगर आप इस बात पे जिद कर रहे हैं तो ठीक है, मगर पहले आप इस बात पे गौर कर लो। अच्छा, खुदा हाफिज। मैंने फैसला कर लिया है और आप लोग भी गौर से सुन लो कि हया ही हमारे घर की बहू बनेगी। मुझे अब इसमें कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है और ना ही हया के किरदार पर शक करने की। लेकिन भाई साहब, महबूबे, मैं इस मामले में किसी की राय नहीं जानना चाहता। मैंने जो फैसला ले लिया बस। भाई साहब, वही तो जमान साहब आए। अस्सलामु अलैकुम। हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपका इस तरह अचानक आना? हाजी साहब, इसमें तकल्लुफ की कौन सी बात है, मन किया चला आया अपने समधी से मिलने। ये तो आपकी जरा नवाजी है। दरअसल हाजी साहब, मैं ये पूछने के लिए आया था कि मंगनी की तैयारियां हो चुकी हैं और हाँ, शब्बीर मियां कब तक बम्बई से लौट रहे हैं? आप तशरीफ रखिए ना।
अब वो तो कब का आ चुका है। हाँ भाई साहब, मैं सच कह रहा हूँ, वो तो कब का आ चुका है। गुला, जरा शबीर को बुलाना। आप ये सब सुनकर हैरान क्यों हुए? बस यूं ही हाजी साहब, दरअसल मैं ये पूछना चाहता था कि आप लोगों को कोई शिकायत तो नहीं है हमसे? वैद्य साहब, आपके खानदान के साथ हमारा रिश्ता जुड़ गया, हमारे खानदान की इज्जत में और इजाफा हो गया, हमें किस बात की शिकायत होगी? अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम सलाम, सलामत रहो बेटा, बैठो। बात दरअसल ये है हाजी साहब कि मेरी बेटी मेरी जिंदगी है, मेरी पहली खुशी भी वही है और आखिरी खुशी भी है। उसके पैदा होते ही मेरी तकदीर बदल गई है, मैं जमीन से आसमान पर पहुंच गया, मैं जो कुछ भी हूं ये सब उसकी किस्मत का है, उसकी किस्मत से ही मेरी किस्मत जुड़ी है। आप मेरी बेटी को नहीं बल्कि मेरी किस्मत को अपने घर ला रहे हैं। हाजी साहब, उसके घर से चले जाने के बाद हम लोग खोखले हो जाएंगे। वहीदुल जमा साहब, आपकी बेटी हमारे घर में बहू बनकर नहीं बल्कि बेटी बनकर रहेगी। यही मैं भी चाहता हूं, उसे खुशी देने के लिए मैं दुनिया की खुशियों को छीन सकता हूं, उसकी आंखों से एक कतरा आंसू बहेगा ना तो मैं दुनिया को खून के आंसू रुलाऊंगा। हाजी साहब, मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूं, मैं जानता हूं शबीर अच्छा बच्चा है, उसे हमेशा खुश रखेगा और मेरी हया इस घर में अपने घर से ज्यादा खुश रहेगी, इसीलिए हया के रिश्ते के लिए मुझे आपका घर मौजूद है। ये तो आपकी जरा नवाजी है जमा साहब, जो आपने हमें इस काबिल समझा। ऐसी बात नहीं है हाजी साहब, हाजी साहब मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, न जाने जज्बात में आकर मैंने क्या कुछ कह दिया। मैं दरअसल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई शिकायत है तो अभी बता दीजिए, बाद में मौका नहीं होगा। मुझे कोई शिकायत नहीं है, छोड़िए ना इन बातों को, आप चाय नोश फरमाइए। पहले आप भाई जान, ये तो बहुत ही अफसोस की बात है, बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि मुझे आने वाले तूफान का मंजर साफ दिखाई देने लगा है। हुमा, अब मैं क्या करता, मैं चुपचाप बैठा उनकी बातें सुनता रहा। लेकिन भाईजान, आपको मामू जान से सच्चाई बता देनी चाहिए थी। खैर, अब तो बहुत देर हो चुकी है, वहीदुल जमान साहब अपनी इज्जत की खातिर जीते हैं, उनकी इज्जत पर आंच आए तो फिर वो किसी को माफ नहीं करते। और भाईजान, ये बात सिर्फ रिश्ते की नहीं है, बिजनेस की भी है। बिजनेस फील्ड में वहीदुल जमान साहब की पकड़ बहुत मजबूत है, अगर उन्हें तकलीफ पहुंचाई गई तो फिर कयामत आ जाएगी, कयामत, भाईजान कयामत आ जाएगी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है मुझे। भाईजान, अगर आपकी हिम्मत नहीं हो रही है तो मैं मामू जान से बात करूं। नहीं 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 हुआ, तुम बात नहीं करोगी,
ठीक है, फिर तो दो ही रास्ते हैं आपके सामने। या तो आप अपने खानदान की इज्जत बचा लीजिए, या फिर अपनी बीवी को। समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? बेटा, मैं कई दिनों से देख रहा हूं तुम पागलों जैसी हरकतें करते हो, खैरियत तो है? अब अगर हया से मेरी शादी ना हुई तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। चुप! जब देखो दीवानों जैसे बातें करते हो। अरे मैं अभी जिंदा हूं, मेरे रहते हुए तुम्हारी कोई खुशी छीन नहीं सकता। अब वो आप भी फिर में विलन की तरह डायलॉग बोलते रह जाएंगे, और यहां से हया हाजी साहब के घर दुल्हन बनकर आ जाएगी। मैं कहता था ना, आप भी ना देखो, आपने फोन करके दोनों को भड़काया था। क्या मिला आपको? कुछ नहीं। मैं कहता था कच्ची डोर से पतंग उड़ाना बंद करिए, लेकिन आपने माना ही नहीं। देखा, कट गई ना पतंग। चुप हो जा नादान, मत मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने की कोशिश कर। अब आप तो सिर्फ जख्मी हुए हैं, यहाँ तो मेरा दिल रेजा रेजा हो गया है। आप जानते हैं, दोनों के घर वालों ने मंगनी की तैयारियां मुकम्मल कर ली है, तमाम तैयारियां पूरी कर ली है। बेटे, तुमने मेरी मोहब्बत देखी है, मेरा गुस्सा, मेरा जुनून नहीं देखा है। भाईजान, वो घर वाले वही जमान साहब के घर जा रहे हैं। कुछ कीजिए भाईजान, कुछ कीजिए प्लीज। भाईजान, क्या फैसला किया है आपने? नाजो आ रही है और मैं उसे लेने जा रहा हूँ। लेकिन भाईजान, वो लोग भी तो यहाँ आएंगे, और अगर तब आप यहाँ नहीं हुए तो? हो माँ, अब जब बात खुलकर सामने आ ही चुकी है तो डरना क्यों? कल रात भर मेरे दिल और दिमाग के बीच जंग चलती रही और आखिर में दिल की जीत हुई, और मैंने ये फैसला कर लिया कि अगर इस घर की बहू होगी तो सिर्फ नाजो होगी, वरना मेरे घर वालों को बेटा भी खोना पड़ेगा। भाईजान, भाईजान सुनिए तो। अल्लाह, इस घर की खुशियों को बचा ले या अल्लाह। अब हमारी इज्जत सिर्फ तेरे ही हाथ में है, बचा ले या अल्लाह, बचा ले। देखो बेटी, जी आज तुम्हारी सहेली की मंगनी है, मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जी आंटी। ये वाला निसार बेटा। जी आंटी। आपने देखा नहीं? ये देखा? ये तो हाँ। अरे वो दूसरा वाला कहाँ है? ये गुलशन दे रही है अपनी तरफ से। हाँ हाँ।